अच्छा जी, पहले 10 MCQ सेल्वर डोर की बुक से करेंगे आप, उसकी वहां दी गई है वो डिटेल से उसने डिस्कस किया हुआ। मैं 21 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 21 से 50 तक मैं करूंगा। स्लाइड नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है? मेहताब जफर आपको क्यों नहीं नजर आ रहे? आ रही है स्लाइड नजर आप लोगों को? ये जो मैंने वर्ड की फाइल सॉरी शेयर की है, स्लाइड नहीं है, वर्ड की फाइल है। नहीं नजर आ रही मुझे पर? चलें ठीक हो गया। अच्छा, 21 MCQs, 10 MCQs ये जीके के हैं, और जो पहले 10 है वो सेल्वाडोर की बुक से हैं। सेल्वाडोर के सिर्फ आपने यही MCQs नहीं करने 10, बल्कि जो इसके 14 चैप्टर हैं, इसके चैप्टर के एंड पर MCQs दिए गए हैं। शाम सीरीज की ये बुक्स हैं सेल्वाडोर की, मैक्रो की भी मिल जाती हैं, माइक्रो की भी हैं, और भी बुक्स हैं इनकी, तो उसके हर चैप्टर के एंड पर MCQs ये होते हैं, वो आपने कर लेने हैं अगर आपके पास ये बुक है तो। परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ मार्केट, द डिमांड कर्व फॉर लेबर इज, बिल्कुल सिंपल है। अगर जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कर्व को ड्रा कर रहे होते हैं, तो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका मार्केट स्ट्रक्चर को भी देखना होता है, और साथ जहां पर वो कमोडिटी सेल होगी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी उसको भी देखना होता है। अब वो कहता है कि परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ मार्केट, बोथ मार्केट का मतलब है कमोडिटी मार्केट में भी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट में भी, जहां से आपने लैंड लेबर कैपिटल को परचेज करना है और जहां पर आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। वो कहता है कि दोनों मार्केट्स के अंदर परफेक्ट कंपटीशन है, तो फिर आपका जो डिमांड फॉर लेबर कर्व है वो क्या होगा, उसे हम VMPL बोलते हैं। ठीक हो गया। VMPL क्या होता है? VMPL है प्राइस ऑफ कमोडिटी मल्टीप्लाई मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, MPPL जिसे हम बोल रहे होते हैं। तो 21 का जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। द डिमांड द मार्केट डिमांड कर शिफ्ट लेफ्ट वर्ड फ्रॉम एक्चुअल डिमांड कर ड्यू टू, देखिए जी जैसा कि हम देखते हैं जो कमोडिटी मार्केट होती है ना, उसमें हम ये सपोज दैट इंडिविजुअल मार्केट्स हैं, आई लिख रहा हूं मैं, इंडिविजुअल फर्म्स का डिमांड कर रहे हैं, ये बहुत सारे डिमांड कर होंगे। जब हमने मार्केट का बनाना होता है ना, तो हम इसकी समेशन ले लेते हैं, ठीक हो गया, जिसे हम हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं। तो ये फिर मार्केट का डिमांड कर बन जाता है, किसके लिए? कमोडिटी के, कमोडिटी मार्केट। बट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो सीन होता है ना वो डिफरेंट होता है। होता क्या है कि ये मेरे पास जो VMPL है, VMPL इसको डिमांड कर बोलते हैं इंडिविजुअल फार्म्स का। जब हमने मार्केट का लेना होता है तो हमें इसकी समेशन लेनी पड़ती है। तो ये जो डिमांड कर्व बन गया ये मार्केट का, इधर मैं एम लिख रहा हूँ और ये इंडिविजुअल का आई है, बट ये एक्चुअल डिमांड कर्व से थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है। उसकी रीजंस क्या होती हैं? उसकी रीजन ये होती हैं कि जब हम इंडिविजुअल्स के डिमांड कर्व को का सम अप करते हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से कमोडिटी की प्राइसेस क्या हो जाती हैं? डिक्रीज हो जाती हैं। अब क्वांटिटी की प्राइसेस जब डिक्रीज हो गई तो जो हमारा डिमांड फॉर लेबर कर्व है वो किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है? प्राइस ज़रब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का। अब ये प्राइसेस तो क्या हो गई हैं? डिक्रीज हो गई हैं क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से। इस वजह से जो एक्चुअल हमारा डिमांड कर्व है मार्केट का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे थोड़ा पीछे की तरफ लाई कर रहा होता है। ठीक हो गया।
अच्छा जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। तो इसमें पूछा क्या हुआ है, द डिमांड द मार्केट डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड फ्रॉम एक्चुअल ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन प्राइसेस। तो सी ऑप्शन जो दिया गया है वो है बोथ ए एंड बी। हाँ जी, तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। 23, परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट देन डिमांड फॉर लेबर कर्व इज MRPL, VMPL और ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो जब आपकी कमोडिटी मार्केट के अंदर इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, ऑलिगोपोली हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, बट जहाँ से आप लेबर को परचेज कर रहे हैं वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है, तो जो डिमांड फॉर लेबर कर्व होगा वो MRPL होगा। तो ये मेरे वीडियो लेक्चर हैं, उनमें मैंने ये डिटेल से चीज़ें बताई हुई हैं। डिमांड फॉर लेबर कर्व व्हेन इम्परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट इट लाइज। ये होता है हमारे पास AR MR। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिमांड कर्व क्या होता है, VMPL। VMPL किसका प्रोडक्ट होता है, प्राइस का, और MPL और MRPL किस चीज का प्रोडक्ट है, MR मल्टीप्लाई बाय MPL। ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है कि जो एम आर होता है, कोई भी क्वांटिटी ले लें आप, प्राइस ग्रेटर होती है और एम आर क्या होता है, कम होता है, किसमें, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो जो एम आर पी एल होगा वो हमेशा वी एम पी एल से इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा होगा, जिसकी वजह से हम इसे क्या कह रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है कि जो एम आर पी एल है वो वी एम पी एल से लेफ्ट साइड पर। नेक्स्ट आ जाता है जी, इफ फर्म हैज मोनोपोलिस्टिक पावर इन कमोडिटी मार्केट एंड मोनोपोलिस्ट पावर इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट। अब यहां पर क्या सिनेरियो है कि जो मेरा वीडियो लेक्चर है उसके एंड पर मैंने एक इंक्लूड किया हुआ है, तीनों जो मार्केट स्ट्रक्चर हैं उनका कंपैरिजन किया हुआ है कि सपोज जो चीज़ प्रोड्यूस करने वाली फर्म है, जहाँ पर उसने कमोडिटी को सेल करना है वहाँ पर उसकी मोनोपोली है, और जहाँ से फैक्ट्री प्रोडक्शन को ले रही है, लेबर को हायर कर रही है, वहाँ भी इसकी मोनोपोली है, यानी कि ये वाहिद फर्म लगी हुई है उस रीजन में जिसने तमाम के तमाम लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट देनी है, और मजदूर मजबूर हैं अपनी सर्विसेज को सिर्फ इस फर्म को देने के लिए। तो फिर फर्म क्या करती है कि इनको पे भी कम करती है और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं उनको भी कम हायर करती है, यानी कि कम लोगों को कम वेजेस के ऊपर लगाकर उनसे ज्यादा काम लिया जाता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर हमारा जो ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है दोनों करेक्ट होंगे, और जो डी है बोथ ए एंड बी वो करेक्ट होगा। 26 बिल्कुल सिंपल है, व्हाट इज मेंट बाय ड्राइव डिमांड, जिसे हम माकूस तलब कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसके अंदर टेक्निकलिटीज नहीं है। द डिमांड फॉर रिसोर्सेज ड्राइव फॉर द डिमांड फॉर व्हाट इट कैन प्रोड्यूस, यानी कि पहले हम जिस तरह के ग्रेजुएशन के और इंटर की बुक्स में हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि जो माखूज तलब है वो दूसरी जो डिमांड है उससे अखज की जाती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इफ वेजेस वेज रेट इंक्रीज द डिमांड फॉर लेबर। अब जो डिमांड फॉर लेबर कर्व है वो कब शिफ्ट होता है, वो तब शिफ्ट होगा जब प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया, कमोडिटी की प्राइसेस चेंज हो या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर चेंज हो,
तो जो डिमांड फॉर लेबर कर्व है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो सकता है राइटवर्ड भी लेफ्टवर्ड भी। अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैसे चेंज होती है, वो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ सकता है, जो लेबर्स हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, उनकी एजुकेशनिंग हो सकती है, इस वजह से ये लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट हो सकती है। अगर वेजेस चेंज हो या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस चेंज हो तो फिर हम उसी डिमांड कर्व के ऊपर क्या होते रहेंगे, मूव होते रहेंगे। तो 27 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जो एमसीक्यूज मैं पढ़ा रहा हूं ये तो मैंने खुद बनाए हुए हैं, जो पहले 10 एमसीक्यूज हैं वो सेल्वाडोर की बुक से हैं, वो मैं पहले बता चुका हूं। चलिए 28, इफ प्राइस ऑफ फॉर्म प्रोडक्ट्स फॉल, जो भी मैं बात कर रहा था कि अगर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉल कर जाती है, द फर्म डिमांड फॉर लेबर कर्व वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड। ठीक है, क्योंकि जो VMPL है वो किस चीज का प्रोडक्ट है, प्राइस और MPL का। MPL चेंज होगी या प्राइसेस चेंज होगी तो आपका जो लेबर का डिमांड कर्व है उसने क्या हो जाना है, शिफ्ट हो जाना है। फॉर ए फर्म selling its product in competitive market, what caused the demand curve for any factor of production to be downward sloping? यानी कि वो कहता है कि जो demand for labor curve है वो क्यों downward slope है, हालांकि perfect competition के अंदर तो आपकी जो prices है वो constant होती हैं, तो फिर इसकी क्या reason है कि जो VMPL है वो negative slope होता है। उसकी नेगेटिव स्लोप होने की वजह क्या है कि आपका जो MPL है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, वो क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि हम जो प्रोडक्शन फंक्शन है, जो मैंने प्रोडक्शन फंक्शन बताया पढ़ाया आपको, तो हम मैंने आपको बताया कि हम उसके सेकंड स्टेज पर हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और सेकंड स्टेज के ऊपर जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है। तो इसका 29 का जो फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। 30 MCQs, वो कहता है ए कंपनी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर करंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज 530, यानी कि 530 है मार्जिनल प्रोडक्ट, और वो वेजेस दे रहा है पर लेबर को 450, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये देखिए, ये नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड में, जो व्हाइट बोर्ड लेकर आता हूं, ये नजर आता है आप लोगों को, ये देखिए जी, इस तरह ये सिचुएशन, ये 450 वेजेस दी गई है, और ये हमारा VMPL है। अब सिनेरियो क्या है, वो कहता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कितनी है, 530, और वेजेस कितनी है, 450 है। इधर हम है, ये लेबर फर्ज करें मैंने 10 लगाए, अब मैं इधर इक्विलिब्रियम में नहीं हूँ, जो फर्म है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा, रिसोर्सेज मुकम्मल यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको नीचे की तरफ मूव होना चाहिए। कब तक मूव होना चाहिए, जब तक इस पॉइंट के ऊपर नहीं आ जाता। इधर इधर सपोज डेट लेबर कितने हो गए, 50 हो गए, तो जब इस तरह की सिचुएशन हो गई कि VMPL ग्रेटर है वेजेस से, तो हमें लेबर क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा हायर करनी। अगर सिनेरियो ये होता कि VMPL फर्ज करें 200 होती और वेजेस होती 450, इट मींस हमने ओवर एम्प्लॉयमेंट की हुई है, इधर अंडर एम्प्लॉयमेंट थी, तो हमें जाना किधर है, हमें अल्टीमेटली इस इक्विलिब्रियम की तरफ ही जाना है। हाँ जी, तो
फ्यू वर्कर आर करंटली एम्प्लॉयड, यानी कि हमने कम लेबर्स को हायर किया हुआ है. अगर हम रिसोर्सेज को सही यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, और लेबर्स को हायर करना पड़ेगा. तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. स्टेटमेंट चेंज होगी तो कुछ और बन जाएगा. 31. टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू हायर ए फर्म कंपेयर्स डैश टू डैश, यानी कि जब फर्म्स ने क्वांटिटी ऑफ लेबर्स या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब हायर करना होता है तो फैक्टर ऑफ क्या करता है जो एम्प्लॉयर है वो ये देखता है कि मैं लेबर्स को कितना वेज पे कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है. सिंपल वर्ड में हम ये देख लेंगे, अगर हम प्राइवेट कॉलेज को चला रहे हैं, एक टीचर को हम 10,000 पे कर रहे हैं, ये उसकी वेजेस होगी, और जो वो बच्चों को टीच कर रहा है वो 20,000 का कर रहा है, तो हम उसको हायर करेंगे क्योंकि जो उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो वो हमें प्रोडक्ट दे रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है. एटलीस्ट कहाँ तक हम उसको हायर करते रहेंगे, जब तक 10,000 इज इक्वल टू 10,000 ना हो जाए. अगर 10,000 उसको हम पे कर रहे हैं और वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसकी कितनी है, 8,000 है, तो हम उसको हायर नहीं करें. 32. मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज एडिशन टू, सिंपल ये तो डेफिनेशन ही है इसकी, के द फिजिकल प्रोडक्ट जनरेटेड बाय एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल टू प्रोडक्शन. 33. ए कंट्री पॉपुलेशन इंक्रीज, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे पास जो लैंड होती है वो तो लिमिटेड होती है, जैसा कि हम देख रहे हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो लैंड जिसकी आज से 20 साल पहले कोई वैल्यू नहीं थी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है. क्यों इंक्रीज हो गई है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है. डिफरेंशियल जो लैंड है, डिफरेंशियल लैंड का मतलब ये होता है रेंट में फर्क, किस वजह से कि उनकी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट है. लोकेशन ऑफ रेंट का मतलब ये होता है कि एक सिटी में कोई शॉप है और एक किसी टाउन में शॉप है, तो उनके लोकेशन चेंज होने की वजह से उनका रेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. जैसे जैसे कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो जो लैंड के जो रेंट हैं उनके डिमांड, लैंड की डिमांड बढ़ने की वजह से उनके रेंट इंक्रीज हो जाते हैं, डिफरेंशियल लैंड रेंट इंक्रीज हो जाते हैं. डिफरेंशियल लैंड रेंट का मतलब ये है जो प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस है, उनकी प्रोडक्टिविटी की वजह से वो डिफरेंट है. और लोकेशन रेंट का मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो डी ऑप्शन है कि जो लैंड रेंट है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से वो इंक्रीज कर जाएंगे, डिफरेंशियल लैंड रेंट इंक्रीज कर जाएंगे, और जो लोकेशन रेंट है वो भी क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे. तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा. इफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर राइजेस बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो इंक्रीज कर जाती है, तो उसकी वेजेस भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है. देखें जी, पहले जो कपड़ा बनता था वो वीवर बनाता था, जुलाहा बनाता था, आम मशीन थी, तो वो सारा दिन लगाकर एक सूट तैयार करता था. हुआ क्या कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, लूम्स आ गई, पावर लूम्स. अब जो पावर लूम्स हैं, पावर लूम्स को चलाने के लिए भी इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, तो इंजीनियर्स की जो पे है महीने की वो सपोज डेट 2,00,000 रुपए है, तो वो भी इंसान ही ना. अब उसकी सैलरी क्यों इंक्रीज हुई, उसकी सैलरी इस वजह से इंक्रीज हुई कि न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में क्या हो गया, इजाफा हो गया. जब मार्जिनल जो प्रोड्यूस ज्यादा कर रहा है तो वो वेज भी क्या लेगा, ज्यादा लेगा. दूसरे तरीके से हम ये भी देख सकते हैं, जो ट्रेडिशनल सेक्टर में जो लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनकी पे कम होती है, जो मॉडर्न सेक्टर में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनकी पे ज्यादा होती है. उनकी पे ज्यादा होने की रीजंस क्या होती हैं, यही होती हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो चुकी होती है, ज्यादा हो चुकी होती है. तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट. 40 तक फिर वो है, क्या कहते हैं, जीके है,
40 से, ये बड़े एमसी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं 40 से लेके 50 तक। अच्छा ये मैं इलास्टिसिटी और स्लोप के कॉन्सेप्ट ना कई बार समझा चुका हूँ, और जो मेरे वो लेक्चर हैं वीडियो लेक्चर उनमें भी हैं ये, और ये जो समझाने लगा हूँ ये 2015 में भी आया था एमसीक्यूज और 17 में भी आया था। अच्छा बच्चों, जो स्लोप स्टीपर होती है ना, जो कर्व स्टीपर होता है उसकी स्लोप ज्यादा होती है। सिंपल देखें जी, ये मैंने स्टीपर बनाया, ठीक है, स्लोप का फार्मूला यही है, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, डी वाई ओवर डी एक्स राइज ओवर रन कहते हैं इसे, ठीक है। अब मैं स्लोप फाइंड आउट करना चाहता हूँ, स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वर्टिकल चेंज हॉरिजॉन्टल चेंज, ये वाला जो चेंज है ये वाई है और ये वाला एक्स है। जाहिर सी बात है वाई का चेंज ज्यादा आया हुआ है, नजर भी आ रहा है आपको। सपोज वाई का चेंज आया हुआ है 2 और एक्स का चेंज कितना आया हुआ है सपोज 1, तो जवाब क्या आ गया 2 आ गया। और ये मेरे पास है एक फ्लैट स्लोप, ठीक है। अब मैं इसकी स्लोप लेता हूँ, नजर आ रहा है एक्स की चेंज ज्यादा है और वाई की कम है, तो वाई में यहाँ 1 फुट आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 0.5। ये बात तो पता चल गई, जो चीज फ्लैटर होगी ना उसकी स्लोप कम होती है और जो स्टीपर होती है उसकी स्लोप ज्यादा होती है। अब लोग क्या कर रहे होते हैं, इलास्टिसिटी और स्लोप को मिक्स कर रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इलास्टिसिटी का क्या फार्मूला होता है, डी वाई ओवर डी एक्स वाई ओवर एक्स, जो स्लोप है वो इलास्टिसिटी का पार्ट है, नॉट इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी के अंदर क्या है, स्लोप है और ये एवरेज चेंज है, इन स्लोप जो मार्जिनल चेंज है और जो एवरेज चेंज है उनकी जो रेशियो होती है उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब इसकी इलास्टिसिटी तो ग्रेटर है, ठीक है, अगर ये डिमांड कर्व है, बट इसका स्लोप क्या है, कम है, ठीक हो गया। इसकी इलास्टिसिटी कम है और स्लोप क्या है, ज्यादा है। अब ये जहन में सवाल आता है कि जरूरी है कि जो फ्लैटर कर्व है उसकी स्लोप कम होगी इलास्टिसिटी ज्यादा, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम एक्सिस भी चेंज कर देते हैं सम टाइम वेरिएबल्स के, तो वो तो हमें परसेंटेज से पता चलेगा, ठीक हो गया। अलबत्ता ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो कर्व स्टीपर होगा उसकी स्लोप हमेशा ग्रेटर होगी और जो फ्लैटर होगा उसकी स्लोप क्या होगी, ज्यादा होगी, बशर्ते कि हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं और दूसरे को इंडिपेंडेंट ले रहे हैं। अब आ जाते हैं हम ये देखें जी, ये दो मैं आपके साथ, ये सप्लाई कर मैंने स्लीपर बना दिया, ये सप्लाई हो गया ना, नहीं ये तो डिमांड कर बना दिया मैंने, ये डिमांड कर हो गया और ये सप्लाई कर स्लीपर सप्लाई कर, ये डिमांड कर्व हो गया और ये सप्लाई कर्व, ठीक हो गया। ये सपोज दैट यहां पर क्या है, डिमांड की स्लोप ज्यादा है और सप्लाई की कम है, क्योंकि ये फ्लैटर है ना सप्लाई, और इधर ये स्टीपर है, तो यहाँ सप्लाई की स्लोप ज्यादा है और डिमांड की स्लोप क्या है, इधर आप ये ज़िगज़ैग बनाए, हर आने वाली प्राइस इक्विलिब्रियम से क्या जा रही है, दूर होती जा रही है। जब डिमांड की स्लोप ज्यादा होगी सप्लाई की क्या होगी, कम होगी, तो ये डाइवर्जेंट केस होता है वो मॉडल के अंदर, इधर बनाए दिख जाएगी, हर अगली प्राइस नियर टू इक्विलिब्रियम जाएगी ऑटोमेटिकली, ये मैं खुद नहीं लेके जा रहा, ये खुद ब खुद जा रही है, तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट केस होगा। इनके डिफरेंट नाम है, ये मेरी स्लाइड्स में लिखे भी होंगे, ठीक हो गया। तो अब ये एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, स्लोप ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर,
अगर स्लोप ऑफ सप्लाई क्या है ग्रेटर है, जो पहला केस बना हुआ था, तो वो क्या होगा कन्वर्जेंट केस, बी हो गया। द स्लोप ऑफ डिमांड इज ग्रेटर, तो ये क्या होगा डाइवर्जेंट केस। इन द कोब वेब फेनोमिना क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक हो गया। अच्छा, इन द गेम थ्योरी अ सिचुएशन इन विच वन फर्म गेन डज नॉट मैटर एन अदर फर्म, यानी कि गेम थ्योरी में जब हम पढ़ रहे होते हैं, एक फर्म को बेनिफिट हो रहा होता है और दूसरे को लॉस हो रहा होता है, यानी एक फर्म का फायदा दूसरे का नुकसान, उसे कहते हैं जीरो सम गेम, ठीक हो गया। अब यहां पर जो फर्म गेन कर रही है वो दूसरे की कॉस्ट पर गेन नहीं कर रही, तो इसको क्या बोलते हैं नॉन जीरो सम गेम बोलते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशन देंगे। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ मैट्रिक्स क्या कहते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ सेकंड फर्म, यानी कि आप अपना ऑप्टिमम डिसीजन ले रहे हैं बट दूसरी फर्म को आप कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर आप डिसीजन ले रहे हैं अपने आप डिसीजन ले रहे हैं, आपको लेना देना नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा, ठीक हो गया, तो उसे कहते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटजी, ठीक हो गया। अगर दूसरे को कंसीडर कर रहे हैं तो वो नैश इक्विलिब्रियम है। अगर दूसरे को कंसीडर, यानी कि आप अपना फायदा देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूं, मेरा दोस्त पढ़े या ना पढ़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है डोमिनेंट। मेरा दोस्त 12 घंटे पढ़ता है तो मुझे 14 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक हो गया, यानी कि मैं उसको देख कर डिसीजन ले रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा नैश इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक हो गया। 47 है इन जीरो सम गेम, ठीक है, जो ऊपर मैं बता चुका हूँ। जीरो सम गेम में क्या होता है कि एक प्लेयर जीत रहा है दूसरा हार रहा है, यानी कि आपकी जीत दूसरे की हार से मुंसलिक है, तो वो है जीरो सम गेम। आपकी जीत दूसरे की हार है या जीत है आप सॉरी आपकी जो जीत है